अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मेरे पास है ग्राइंडर, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने खोला है, ये देखें। तो इसका जो कॉयल है ये आप देख सकते हैं, ये अंदर से जो है शॉर्ट हो गई है। तो अभी इसको मैं चेक करने लगा हूँ, तो देखते हैं ये कॉयल जो है वो दोबारा जो वेंड करनी पड़ेगी या इसी तरह सही होगी। तो अभी इसको चेक करने लगा हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। अगर तो इसकी शार्ट जो है पेपर साइड पे डाल के अगर क्लियर हो गई तो सही है, वरना इसको वेंड करना पड़ेगा। इसमें दो कोयल होते हैं और ये इसका आर्मेचर आप देख सकते हैं, ये आर्मेचर है इसका, ये आर्मेचर है इसका, और यहाँ पे इसके जो हैं कार्बन, जो हम ग्राइंडर में कार्बन लगाते हैं वो यहाँ पे इसके चलते हैं, ये बैरंग के साथ ही। ये मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ, ये नहीं लिए ग्राइंडर तो तकरीबन 6-7 दिन चली है और इसको ये मसला आया है। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ, अगर तो ये इसी तरह शार्ट जो है वो इसकी पेपर डाल के ख़त्म होगी तो अभी आपको इसको फिट करके वो भी दिखाता हूँ, अगर ना हुई तो फिर इसको वेंड करना पड़ेगा, फिर भी आपको दिखाऊंगा जी। तो इसको अब मैं करता हूँ चेक, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो मैं फिट करने लगा हूँ जी, आप देख सकते हैं, मैं ये आर्मेचर जो है वो इसमें डाल रहा हूँ, इसके ऊपर जो है ये पेच लगाएंगे इसके, जी। तो आप इसको मैं फिटिंग इसकी करने लगा हूँ, आर्मेचर इसका जो है वो मैंने डाल दिया इसमें। तो आप इसको चेक करते हैं कि क्या करती है ये, इसको चेक करते हैं। जो कॉयल शार्ट था उसमें मैंने बरी डाल दी है, अब इसके ऊपर ये लगाएंगे और इसके पेच, इसकी जो वेंडिंग है, जो इसके दो कॉयल हैं उसमें जो पेपर डाला हुआ है वो पेपर इतना बॉडी में इतना पूरा डाला हुआ है कि उसको दो सूत्र भी बॉडी से ऊपर नहीं किया, एक सूत्र भी नहीं किया पेपर को, उसने कॉयल के नीचे जो है उसकी कोर के साथ बराबर ही रखा हुआ था, इसलिए शार्ट हो गई है। अगर थोड़ा सा पेपर ऊपर होता तो एक साइड से फिर शार्ट ना होती। तो अभी इसके फिटिंग कर रहा हूँ, इसको देखते हैं, फिर वो आपको दिखाता हूँ, इसकी शार्टेज भी वो भी चेक करते हैं। अब इसमें कार्बन मैंने निकाल लिए थे तो वो अब इसमें कार्बन डालूँगा इसमें, ये आप देख सकते हैं, इस साइड दूसरी साइड पे भी कार्बन होता है, वो भी इसमें डालूँगा। और अब इसको ये
इसके ऊपर लगाएंगे पेच। इसके ऊपर ये पेच लगाओगे तो आप इसको, इसकी जो शॉर्टिंग है वो भी चेक करते हैं। जो सीरियस सीरियस मैंने ये होल्डर की एक तार काट के वो बनाया हुआ, पहले वीडियो में भी आपने, पहली वीडियो में भी आपने देखा। अभी इसकी शॉर्टेज जो है वो इसकी चेक करते हैं, इधर तार लगा के। ये आप देख सकते हैं एक तार जो ग्राइंडर की है, तार जो ग्राइंडर की है उसका जो बटन लगा वो ऑन करके तो देखें ये करंट इसमें जा रहा है। अभी एक तार जो है इसकी लीड को लगाएंगे, जो ग्राइंडर की लीड है उसको लगाएंगे, और एक तार इसकी बॉडी के साथ। तो ये आप देख सकते हैं ये अभी तो शार्ट नहीं है। इनमें जो थोड़ा जो घुमाएं इसको, घुमा के भी देखते हैं, प्लास प्लास से इसको घुमा के भी देखते हैं कि शार्ट है कि नहीं। ये देखें, पहले इसको चलाते थे इस तरह तो पहले शार्ट थी, अभी इसको डायरेक्ट भी लगा के तो उससे भी चेक करते हैं। अब ये शार्ट नहीं है, ये आप देख सकते हैं, जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह तावन करते रहें। शुक्रिया।